अच्छा अर्चना जी, हमारा देश जो है ये देसी टोटकों के लिए बड़ा फेमस है. देसी टोटके मतलब जैसे दादी के नुस्खे. अगर मान लो किसी का पेट में दर्द है, कोई ना कोई अपनी दादी अम्मा आके बोले बेटा कुछ ना है, अजवाइन के साथ नमक लो और गर्म पानी पेट. अच्छा अजवाइन पेट ठीक कर देती है, लेकिन बाहर फिर दिल्ली से ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है. फिर ऐसा पोल्यूशन होता है, 3 लेयर वाला मास्क भी आपको नहीं बचा पाता. हमारे यहाँ का सबसे फेमस जो है घरेलू उपचार वो है हल्दी. हल्दी, चोट लग जाए तो हल्दी, गला खराब हो तो हल्दी वाला दूध. मतलब हल्दी बड़ी गुणकारी है बेसिकली. ये हमारा दिनेश है ना, शादी के वक्त इसको हल्दी लगा रहे थे. ये अपने दादा से बोले, दादा क्यों लगा रहे हैं हल्दी, क्यों लगा रहे हैं? दादा बेचारा भरा पड़ा था पूरी जिंदगी. कहता बेटा ऐसा है, शादी भी अंदरूनी चोट की तरह ही होती है. बाहर से चोट दिखाई नहीं देती, अंदर बड़ा दर्द रहता है, चुपचाप लगवा ले. हमारे यहाँ हर प्रकार का इलाज है. जैसे सपोज किसी महिला के सर में दर्द हो रहा है ना, तो सडनली फिर बूढ़ी अम्मा बोलती है, तेरे ऊपरी हवा लग गई. हाँ, 1 किलो जलेबी 4 समोसे सर के ऊपर से 7 बार घुमा के चौक में रखाइयो, पीछे मुड़ के मत देखियो. और ये जानबूझ के बोलती पीछे मुड़ के मत देखियो, ताकि ये समोसे उठाते पकड़ी ना जाए. हाँ बड़े होते हैं. जैसे मैंने सुना है वीकेंड पे आप भी समोसे जलेबी बहुत खाती है. सही में? हाँ मतलब वो तो खरीद के खाते होंगे. चुरा के नहीं. हाँ पर जिनसे खरीदते हो वो वहीं से उठाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. अच्छा कई बार लोग ना एक ही बीमारी का अलग अलग नुस्खा बताते हैं. फिर नुस्खे लेने वाले के ऊपर है कि उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से कौन सा अच्छा लगता है. जैसे पांडे एक दिन बड़ा छींक रहा था. हाँ, इसकी दादी बोलती बेटा तेरे को सर्दी लग गई है, तू भाप ले ठीक हो जाएगा. दादा इसका बोलता बेटा ऐसा है, गर्म पानी में थोड़ी रम डाल के पी ले, ठीक हो जाएगा. वैसे ये दादी के क्लोज है, उस दिन इसने दादा की मानी. तो अपनी सहूलियत के हिसाब से. ये अपना दिनेश ने, इसकी गर्दन अकड़ गई थी एक दिन. ओहो. 5 डिग्री से ज्यादा घूमे ना. ऐसे बोला दिनेश कैसा है? हाँ भाई ठीक हूँ. तो यही तक हो गया था. और पापा जी? हाँ जी हाँ जी. तो ये 4-5 दिन ऐसे घूमता रहा. फिर इसकी बीवी इसको हॉस्पिटल ले गई. वहां पे सडनली एक नर्स निकली ब्यूटीफुल, इसकी 90 डिग्री घूम गई. फिर इसकी बीवी ने पकड़ के 180 डिग्री घुमाई. अब इसकी गर्दन हड्डी फ्री है, 360 घूमती है, ऊपर नीचे भी हो जाती है, देख लो. हमारे यहाँ ना अजीबो गरीब इलाज भी होते हैं. आप किसी बस या रेलवे स्टेशन पे देखना, पोस्टर लगे होते हैं कि बाबा बंगाली का शर्तिया इलाज, ग्रह क्लेश, मनचाहा प्यार, वशीकरण, नौकरी में बाधा, दुश्मन से छुटकारा, सास बहू में झगड़ा, विदेश यात्रा में रुकावट, सबका एक शर्तिया इलाज बाबा बंगाली, और मात्र 3 घंटे में इलाज. अच्छा? ये 3 घंटे में ही करते हैं. क्योंकि इनको बताया 4 घंटे बैठे तो पकड़ लेगी पुलिस. आप देखना इनके ना ज्यादातर ठिकाने वही होते हैं, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे के पास. जैसे 1500-2000 की दिहाड़ी बनी, बस पकड़ी अगले स्टेशन. तो इनसे आप बचे. कुछ लोगों को कमर की पुरानी दर्द हो ना, तो ये हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जो लोग उल्टे पैदा हुए होते हैं ना, जैसे मेरा भाई उल्टा पैदा हुआ है, तो बड़े लोग आते थे उससे लात मरवाने, तो कमर ठीक हो जाती है. कभी कभी सास को होती ना दर्द ऐसी, तो कई बहुएं झूठ बोल देती, माँ जी मैं भी उल्टी पैदा हुई थी, आज लेटो. फिर वो अपनी भड़ास निकालती है सास के ऊपर. मैं नुस्खे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कलाकार जो है वो नुस्खे की तरह है. अगर ये फिल्म में है तो समझो फिल्म सुपर डुपर हिट है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता. और आज ऐसे ही 2 कलाकार हैं हमारे खास मेहमान, जिन्होंने कई सुपर हिट फिल्मों में हमें जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया है. प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम एंड वर्सटाइल एक्टर्स, मिस्टर शक्ति कपूर एंड मिस्टर चंकी पांडे. ओहो, पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका. जोरदार तालियां एक बार चंकी सर और शक्ति सर के लिए. क्या एंट्री मारी है. ये सब इसका आइडिया था. हम लोग वो टाइटैनिक पोज कर रहे थे. बड़े जिगरी यार है ना. केट एंड रोज. आपके लिए कुछ सोचा है मैंने. अच्छा जी. दिन ने रात से पूछा, रात ने चांद से पूछा, वाह, चांद ने तारों से पूछा, तारों ने बादलों से पूछा, बादलों ने मुझसे पूछा कि कपिल जी और अर्चना जी कैसे हो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मैं भी 2 शब्द बोलूं शायरी के. हाँ जी सर. बोलिए. I'm joking. पर सर आप दोनों आज इतने हैंडसम लग रहे हैं, मतलब
जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं आपके बाल बढ़ते जा रहे हैं और इतने हैंडसम लग रहे हो दोनों। शंकी सर, ये आपने कहाँ से लिया? ये बड़ा कमाल का है। मैं दुबई से लेके आया हूँ। ओह अच्छा। yes. लेकर नहीं आया आज तक इसने, खुद कुछ नहीं खरीदा है। ये इनकी बिटिया ने इनको गिफ्ट दिया है। अच्छा। इसने आज तक कुछ नहीं खरीदा है। नहीं, ये शूटिंग का है, मुझे याद है पहला नलानी की फिल्म आग आग का है। और ये जूते पाप की दुनिया, और ये जीन्स गोविंदा की है तभी लूज है। इन्होंने कुछ नहीं खरीदा है। इनके बारे में तो बड़े किस्से हैं कि इनकी पार्टी होती है वो भी स्पॉन्सर होती है। हाँ, सुना है ना आपने? वो दही भल्ले वाला जो होता है लिंकिंग रोड में, उसको ले आता है ये दही भल्ला का स्टॉल। दारू वाली दुकान को बोलता है तेरी दुकान को बहुत प्रमोट करूंगा फ्री की दारू। और लिंकिंग रोड में एक हुआ है ना सरदार जी का रेस्टोरेंट, उसको बोलता है तेरे कबाब बहुत अच्छे हैं। इस पार्टी के अंदर सलमान खान आ रहा है, कपिल आ रहा है, अर्चना आ रही है, सब आ रहे हैं, सब फ्री का। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इसके जैसा कंजूस जिंदगी के अंदर मैंने देखा नहीं है। ये सिगरेट पी रहा था, मेरे पास सिगरेट नहीं थी। मैं कहा चंकी सिगरेट है, हाथ में पैकेट पकड़ा हुआ है। कहता नहीं खाली हो गया, फेंक दिया। इसका ड्राइवर आया कोने से, पूरा पैकेट भरा हुआ ले गया। कपिल बाजी रब दी सो आई एम जोकिंग। दो मरतबा देखा इनको ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए। हाँ। ये तो वक्त का तकाजा है। हाँ। कि इस वक्त के अंदर आदमी खा ले। हाँ। या फिर अपने आप को देखभाल कर ले, तंदुरुस्त है ना। अभी देखिए क्या है, समय ने हमको समय दिया है, लेकिन याद रखो आज समय के पास भी इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हॉलीडे इन में जब ये हीरो बनने वाला था। हाँ? हाँ। तब तू दौड़ता था वहाँ पर टेबल टेनिस। हाँ, के रिंग। हाँ, के आसपास। हाँ, इतना दौड़ता था, इतना पतला हो गया था। शक्ति ना। तेरे को ब्रेक मिल रहा था ना उस टाइम। पहलाज ने लानी जी ने 18 किलो कम किया, लेकिन उसके बाद पिक्चर नहीं माने। उसके बाद सेठी ने बोला कि अभी एक फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा मुमताज के साथ, उसके अंदर सब कुछ बिक गया। मैं कहा सारी टेरिटरीज बिक गई? बोले नहीं, मैं बिक गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया। नहीं नहीं, बट ये किस्सा सुनाता हूँ शक्ति जी का। एक टाइम था कि गुलशन ग्रोवर जी इनको बड़ा टक्कर दे रहे थे विलेन के दुनिया में। अच्छा। तो शक्ति जी ने एक अपना एक प्यादा सा प्रोड्यूसर को पकड़ के 50,000 रुपये दिए, बोले जाके गुलशन ग्रोवर को हीरो साइन कर लो। बस उसके बाद गुलशन ग्रोवर 2 साल घर पे बैठा था। बोल रहा था कौन आके मुझे। वो तो इतना कोरोना से डरता है कि आज भी घर पे ही बैठा हुआ है। नहीं नहीं, वो डरता है तो लोग भी डरते हैं। नहीं, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब मेरी तो बीवी ऐसी है, मैं गाड़ी में आया गोवा में, वहां से फोन किया उसने कि गर्म पानी रखा है गाड़ी में। तो गाड़ी में आया तो देखा 4 फ्लास्क है। मैंने कहा ये क्या है? ड्राइवर बोलता है एक हल्दी वाला पानी है, एक सौंफ वाला पानी है, एक लीची वाला पानी है, गरम पीते ही रहना। अंतड़िया इतनी जल गई, अंतड़िया बोलने लगी अपने गले में गीजर लगा रखा है क्या? एक है जिंदगी है एक जंग, जब तक बीवी है तुम्हारे संग। वाह। 3 प्रकार की होती है बीवी है। अच्छा। 3 प्रकार की औरतें होती है। अच्छा, हाँ। अच्छा जी। एक जिसके बिना आप नहीं रह सकते। हाँ। दूसरी जो आपके बिना नहीं रह सकती। हाँ। और तीसरी जिसके साथ आप रहते हैं। पर आज भाभी जी गोवा गई हूँ इसलिए आप खुल के बोल रहे हो। नहीं सर, 8-10 दिन से घर पे था, कोई काम धाम नहीं था। हर रोज शूटिंग की आदत थी, बोलने की इतनी आदत थी, बोला ही नहीं था। अच्छा। तो ये जनरेटर थोड़ा बोलने के लिए ऑन हो गया। सर आपकी आज स्टाइलिंग बड़ी मजेदार है जी। हाँ सर, ये एक शॉल थी। अच्छा। किसी काम की नहीं थी। शॉल था ये, बेडशीट लग रहा है मुझे। अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट टाइम बेडशीट की बनाऊंगा। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा ये बड़ा मजेदार चीज होती है अर्चना जी, जैसे हमारे यहाँ शक्ति जी और चंकी सर आए हैं, एक तो इनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। हाँ। आते हमें तो पूछने का कुछ मौका ही नहीं दिया, तो ये जब गहरी दोस्ती वाले जो होते हैं ना ये गेस्ट, बड़ा मजा आता है सर। आपके किस्से इतने मजेदार होते हैं, इनकी दोस्ती इतनी गहरी, मैं थोड़ा सबूत दिखाता हूँ आपको। अच्छा
ओह पाजी कैसे? एंड लुक हूज़ या वेलकम वेलकम कपिल पाजी. जी पाजी, आप तो जानते हो जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ आपकी टीआरपी कैसे बढ़ जाती है. वो अक्षय पाजी भी थे ना साथ में. अक्षय कुमार? अरे जो साल में 4 फिल्में करता है. मेरा स्टूडेंट है, एक्टिंग तो मैंने उसको सिखाई है. उसको भूल जाओ यार. मैं जो बोल रहा हूँ, आज के शो में शक्ति कपूर आया ना, देखो है तो सीनियर जी, लेकिन है विलेन ना. लेडीज उसकी बातें बातें अच्छी नहीं लगती इसको. ही इज नॉट वेरी पॉपुलर विद लेडीज. लेडीज में मैं पॉपुलर हूँ. अच्छा. भाई आजकल मेरा क्लास है, मेरा स्टाइल है. जी जी. इसलिए ये टिप्पणी देना चाहता हूँ आपको कि आप कॉन्सेंट्रेट मेरे ऊपर करना, फोकस मेरे ऊपर रखना बस. ठीक है भाई. उसने मुझे ही पूछना. ये देखो चश्मे भी दुबई से लाए हैं आपके शो के लिए. ठीक है, बिल्कुल आपके ग्रीन शर्ट के साथ मैचिंग है. तो मैं जाके शो शुरू करूं? नहीं, सब जमा लूंगा. नहीं, शो मैंने शुरू करना है. आप बैठो, मैं शुरू करता हूं, फिर मैं आपको बुलाऊंगा. फोकस मेरे नाम पे ना. करेक्ट. ओके बाजी. और शो आप शुरू. और शो आपका है. जी. ये देख लो बाजी क्या बोल रहे थे आपके पीठ पीछे. तेरे को वो कीड़े पड़े जिनको पहले से कीड़े पड़े. ये देख लो आप शक्ति सर के बारे में क्या सोच रहे, लेकिन आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं. इनका वीडियो है एक. अच्छा बोला. हाँ, ये मैं कब. एवरीवन लव्स मी. हाँ डार्लिंग, गोवा में सब ठीक है ना? अरे आई टोल्ड यू मैं कपिल का शो कर रहा हूँ. हाँ अभी शुरू, अभी टाइम पे शुरू होता है यार. साथ में वो मंकी पांडे, सॉरी चंकी पांडे है. ओ पाजी डार्लिंग आई विल स्पीक टू यू लेटर. या कपिल इज यार वोटी मेरी हेलो बोल रही. हेलो. हाँ बाय. हाँ बुलाया भाजी आपने? नहीं मैं क्या, अभी थोड़ा टाइम है कि शो शुरू होने में. जी. तो मैं ये सोच रहा था कि यार गोविंदा साथ था तो बड़ा मजा. अभी ये चंकी पांडे क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आती है. कॉमेडी कर रहा होता है कि सीरियस कर रहा होता है. मतलब इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड. जी. पर है तो न्यू कमर ना. मेरे साथ पहली फिल्म मेरे साथ ही की थी. जी जी. और पहला ही टेक 40 टेक हुए थे यार. आई होप कि यार यहाँ पे इतने टेक वेक नहीं हो. नहीं यहाँ पे तो लाइव ही होता भाई. तो क्या करना ना यार, अगर तू फोकस मेरे पे ज्यादा रखेगा ना तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा. ठीक है भाई. नहीं उस पे रहेगा तो बोलेंगे आई एम जोकिंग. दूसरी कोई लाइन ही नहीं. बट आई स्टिल लव हिम. आई स्टिल लव हिम. यार लवली पर्सन. बट की है कि फोकस आप पे रखना मेन. थोड़ा सा रख लेना. करें फिर शुरू करें. हाँ चलो प्लीज. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तेरे बच्चे जिए तेरा खून पिए. शक्ति सर आपकी ये जो दोस्ती, एक तो बड़ी आप लग रहा है आपकी बातों से कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी जाने कब से आप एक दूसरे को जानते हैं. सर मैं बताऊं, मैं फैन था इनका. अच्छा. मैं इनको पहली बार हॉलिडे इन होटल में मिला था, स्कॉर्पियस डिस्को में. याद है? वहां पे ये बर्तन साफ कर रहा था. ऐसी नौबत आ गई थी, बिल भरने के पैसे नहीं थे तो मैं घस रहा था. शक्ति सर फिल्मों में ऑलरेडी थे और ये भी घस रहे थे साइड पे. मैं तो आज भी घस रहा हूँ. हाँ तो पहली बार मैंने उनको वहां देखा था हॉलिडे इन होटल में, और फिर कपल ऑफ फिल्म पार्टीज. और उसके बाद मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मैं स्टूडियोज में घूमते रहता था रोल्स ढूंढने के लिए. तो एक बार ये मुझे मिले थे फिल्मिस्तान स्टूडियो में. आगे मैं बताता हूँ. हाँ. वो फिल्मिस्तान का एक गेट है, उसके नीचे एक छोटा गेट है जो लोखंड का बड़ा गेट है जो स्टूडियो मेकअप रूम के बाजू में है. तो मैं यूं करके अंदर जा रहा था, ये यूं करके बाहर आ रहा था. तो मैंने इसको रोका. और मेरा पहला था कि ये आधा विनोद खन्ना लगता है, आधा अमिताभ बच्चन लगता है. आई स्वेयर आई स्टॉप्ड हिम फॉर 5 मिनट्स एंड आई सेड यू आर सच अ हैंडसम बॉय. सर पहलाद जी की शूटिंग थी. करेक्ट. मैं पहलाद जी की शूटिंग कर रहा था. पहलाद जी ने इनको अभी साइन नहीं किया था, इनकी स्ट्रगल चल रही थी. बट देन आई टोल्ड हिम कि यू आर अ वेरी बिग स्टार ऑफ टुमारो, दिस इज व्हाट आई प्रेडिक्ट. वाओ थैंक यू. एंड आई स्वेयर आई कुडंट स्टॉप लुकिंग एट हिम फॉर एट लीस्ट 5 to 10 minutes. ही वाज सो गुड लुकिंग. स्टिल बट चंक्स यू वर हैंडसम यार. नॉट दैट यू नॉट नाउ बट दैट टाइम मतलब ऐसा लगता था वाओ व्हाट अ लुक. थैंक यू. अर्चना जी उसके बाद कट टू. मैं शूटिंग पे पहुंचा चांदी वैली स्टूडियो. और मैं 3-4 शिफ्टें 5 शिफ्टें कर रहा हूँ और शिबुदा आए कि तेरा एक्शन सीन है, फाइट का सीन है, एक नया लड़का है उसके साथ. तो मैं गया जब सेट पे, गार्डन के बाजू में वहाँ पे फाइट सीन था, और मैंने क्या देखा, वही लड़का जिसको मैंने रोका था. वाह. मैं इसको देख रहा हूँ,
इसको मालूम था कि मैं हूँ, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये ऑलरेडी साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड हो गया है. अच्छा. तो मतलब मैंने बोला यू, कहते या पहलाद जी इज इंट्रोड्यूसिंग मी इन दिस फिल्म. शेठ जी आए, मैंने कहा शेठ जी दिस ये लड़का तो मैंने प्रिडिक्ट किया था और आपने साइन किया. अच्छा. इसके प्रिडिक्शन के लिए मैं अभी भी रुका हूँ. अच्छा. कब जाके बड़ा स्टार बनूंगा. मंदिरों से जूते चुराने बंद कर तब स्टार बन जाए. एनीवे, आई वाज वेरी थ्रिल्ड. मैंने इसको हक किया, ये भी छोटे भाई की तरह यूं यूं. तो शुभुदा ने बोला बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब शक्ति को ही जाना है. तो फाइट शुरू हुई, इसने मुझे पंच मारना, एक पंच रीटेक, 40 रीटेक, जो मैंने बोला ना अभी. हाँ. इसका पंच ही नहीं रुकता है, कभी यहाँ लग रहा है मेरे, कभी यहाँ लग रहा है मेरे. ना तो छोटा है तो गिरनाया जाता था. 40, 36, 36, 40, 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 40
अभी आप, आप? देखा ना मैंने क्या बोला है, इसलिए आप। फिर एक पार्टी में ये मुझे मिले और मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं तीन चार टकाई हुई शरबत टिका शरबत तेरा बाबा पिए, मैं तो शरबत नहीं पीता। राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। फिर इसका पार्टी के अंदर मैंने हाथ पकड़ा, कहा कहाँ ले जा रहा, मैंने कहा तू आज देख तेरा मैं क्या करता हूँ। राकेश रोशन जी सामने से आ रहे, मैं गुड्डू बोला क्या है, मैंने कहा ये लड़का कल का सुपरस्टार है, आज साइन नहीं करेगा ना तो इसको दो तीन साल इसके बाद डेट नहीं होगी। तो बोले हाँ, और ये हैंडसम सूट वूट पता नहीं पड़ोसी से मांग के आया था, बड़ा अच्छा था। गुड्डू ने सीरियसली 2500 निकाल के दे दिया, और तब 2500 भी आज का लाख रुपया। सीरियसली आई स्वेयर ऑन एनीवन, उस दिन मैंने कम से कम नहीं तो 16-17 साइनिंग अमाउंट इसको दिलाए उस पार्टी में, और आधा पैसा इन्होंने रख लिया। शक्ति तू इसको कंजूस बोलता है यार, तू भी तो मतलब पैसे के बारे में बहुत पक्का है। मुझे याद है कौन से हम कहीं नॉर्वे या कहीं शो करने गए थे, तो किसी ने लड़की ने आकर ऑटोग्राफ मांगी, तो इसने बोला आई टेक $10 इफ यू, तो शी से यस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इसने बोला यू हैव टेकन द ऑर्डर नाउ $10, तो उसने बोला शी टुक आउट, शी थॉट लेगा नहीं, इसने ले लिया और इसने ले लिया। और मैं वहां पर खड़ी, मैंने कहा And she's looking at me. मुझे लगा अभी वापस आएगा, अभी ये नहीं वापस आई, ये फ्लाइट पे चल के चला गया। $10 हम लोग गुवाहाटी में बप्पी लहरी के साथ एक शो करने गए थे, तो बप्पी जी ने तो सब गहने पहने थे, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था ना उसके गहने देख के थोड़ा शो ऑफ बन गया ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर ने बोला आप इतना सोना पहना है आपने, मेरे पास एक सोने की घड़ी है, 40 लाख रुपए की घड़ी है, तो सबको दिखाया, शो ऑफ कर रहा था। शक्ति ने बोला भाई साहब आपकी घड़ी जरा दिखाओ, मैं भी पहन के देखना चाहता हूँ। तो ऑर्गेनाइजर ने निकाला, दिया इनको घड़ी, भाई साहब स्टॉप ब्लॉक में गायब हो गए, गुवाहाटी में गायब हो गए, मुंबई में मिले, कैसे पहुंचे? डायमंड से भरपूर शक्ति कपूर, शक्ति कपूर। चंकी की बेस्ट क्वालिटी क्या है जो बहुत कम लोगों में, एंड आई नो एम वेरी सीरियसली सेइंग कि द वेरी फ्यू हीरोज यू कैन यू नो जोक ऑन, सो ट्रू, एंड हु कैन टेक जोक्स राइट। He is one of, I swear to God. Thank you. मजाक हमेशा ये इसके ऊपर आदमी कर सकता है। ऐसी एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था दो मतवाले। अरबपति करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो गोवा में शूटिंग हो रही थी और मैं उस शूटिंग में 5 दिन के बाद मेरा काम था, ये और संजय दत्त 5 दिन पहले ही वहां थे, ये संजय दत्त और गुलशन ग्रोवर। तो मैं पहुंचा सीधा एयरपोर्ट से, मुझे किले पे ले गए, वहाँ एक्शन सीन था। तो जैसे लंच ब्रेक हुई तो संजू ने मुझे बोला शार्क्स सेट इन माई कार, वी आर गोइंग फॉर लंच। तो मैंने कहा यहाँ यूनिट में लंच नहीं आता है क्या? बोले नहीं आता, पर प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेज खाएंगे। तो मैंने कहा चलो, तो मुझे लगा कि दूसरी गाड़ी में प्रोडक्शन वाला भी बैठा होगा जो ये ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी में देखा चंकी पांडे, तीसरी गाड़ी में देखा गुलशन ग्रोवर, चौथी गाड़ी में देखा यूनिट के और 4 एक्टर, टेबल लगा हुआ, सब खाना खा रहे, फिश विंदालू, चिकन विंदालू, ये विंदालू, पोक विंदालू, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, यहाँ से भी खाना, वहाँ से भी खाना। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये प्रोड्यूसर तो कमाल का है,
क्या खर्चा कर रहा हूँ, फर्स्ट डे शूटिंग है और बिल वाला आ रहा है, वो बिल लेके मैंने देखा गुलशन जी बोले मैं थोड़ा बाथरूम जा रहा हूँ. चंकी बोला ओह आई गॉट टू कॉल अप यार, आई गॉट इम्पोर्टेंट कॉल. ये गायब, ऐसे सब गायब हो गए. मैं और संजू बैठे हैं, मैं कहा संज हूज पेइंग फॉर ऑल दिस फूड. कहता मी. मैं कहा यू स्टूपिड मैन, यू पेइंग बिल फॉर सो मेनी पीपल. कहता ये आज नौवां दिन है मैं बिल दे रहा हूँ. अच्छा जैसे नहीं रहा गया, तो संजू इज बीन लाइक अ किड ब्रदर टू मी. मेरे को लगा कि इसको बेवकूफ बना रहे. अब शूटिंग शुरू हुई, मैं किले को ऊपर चढ़ गया, ऊपर किला है, ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये लोग नीचे, चंकी वहां पर है. मैं कहा चंकी ऊपर देख, ऊपर देखा. मैं कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते ओ खाना सीरियसली. फिर संजू आ गया, मैं कहा संजू बोल, बोले कुत्ते को खाना खिलाना है, ओ कुत्ते रे कुत्ते ओ खाना खा ले. पर ये आपने अच्छी बात बताई चंकी सर के बारे में कि ये अपने ऊपर जोक लेते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग. और एक बुरी बात बतानी हो तो क्या क्या होगी वो बुरी बात? इसके जैसा झूठा वर्ल्ड में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मतलब कैसे? ये हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मद्रास में या कहाँ पे, चेन्नई चेन्नई है, चेन्नई मद्रास ही था ना पहले. पिक्चर का नाम था खतरों के खिलाड़ी, संजय दत्त, धर्म जी, शक्ति कपूर, चंकी पांडे. तो 6 दिन शूटिंग हो गई, मैं और संजू सिगरेट पी रहे और ये आता स्मोक स्मोक, अंतड़ियाँ जलाओ मर जाओगे. क्या हो गया? मैंने सिगरेट छोड़े हुए 6 महीने हो गए, मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूँ. मैं कहा यार डॉक्टर का बेटा है, मतलब पिता ने इसके बोला होगा सिगरेट से ये नुकसान होता है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. संज बोल रहा है शख्स लेट्स लीव स्मोकिंग यार, और मुझे बोल रहा है शख्स लेट्स लीव स्मोकिंग है, और ये सिगरेट मुझे दे भी रहा है. मैं कहा हाँ लेट्स गिव इट अप यार. तो फिर बोले चंकी ने छोड़ दिया. अच्छा नहीं लगता ना कोई दूसरा आदमी सिगरेट छोड़ दे और आप नहीं छोड़ पा रहे, वो साला सुखी और आप दुखी है. तो एक दिन लंच खत्म हुआ तो मैंने कहा संज वे चंकी? कहता पता नहीं यार, तब वैन वैन नहीं होती थी, कहाँ है? मैंने कहा साला आज पकड़ते हैं इसको. मैंने कहा हो ना हो ये सिगरेट पी रहा है. सर मैं और संजू ढूंढ रहे, वो स्कूल टाइप की बिल्डिंग में शूटिंग कर रहे थे, कमरे ही कमरे थे, उनमें बेंच के नीचे था. ये बेंच के नीचे बैठ के सुता. अच्छा क्या अर्चना जी कसम से ऐसे बैठा हुआ है और इसकी शक्ल देखो. और सामने मैं और संजू खड़े हैं. भाई गॉड इतना झूठा आदमी है, इतना झूठा. थैंक्स, वी आर इन द बिजनेस ऑफ टेलिंग स्टोरीज. अरे शक्ति सर ने तो आपकी तारीफ भी कर दी और एक जो उन्होंने बताया कि झूठ बड़ा बोलते हैं. आपको अगर दो बातें बतानी हो शक्ति सर के बारे में, एक अच्छी और एक बुरी, तो क्या है वो? कि मैं बड़ा बनकर शक्ति कपूर बनना चाहता हूँ. आई स्वेयर टू गॉड जब मैं इंडस्ट्री में आया, जो शक्ति कपूर कर सकता है मैं नहीं समझता कोई हिंदुस्तान में एक्टर कर सकता है. अनबिलीवेबल, जो कॉमेडी ये कर सकते हैं, जो विलेनी ये कर सकते हैं, आपको रुला भी सकते हैं, इतना रेंज मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जो शक्ति कपूर जी के पास. सुपर ट्रू, मैं एग्री सर. मैं भावुक हो गया. मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तेरे को लग जाए क्योंकि बच्ची बहुत कम है. गॉड ब्लेस यू सर. But there was a time, Shakti, जब तुम्हारे बिना और कादर भाई के बगैर फिल्में नहीं बनती थी हमारी इंडस्ट्री में. हाँ, हर फिल्म में ही एंड कादर खान साहब सुपर्ब. मतलब कितनी फिल्म की तुमने कादर भाई के साथ? God bless him. Century तो क्रॉस की. Oh my God, more than 100 films together. क्या बात है? पिक्चरें तो इनके साथ भी 35-35 ऊपर की हैं. और ये अभी भी चाइल्ड स्टार लगते हैं. जब मेरी बिटिया साहो कर रही थी तो डायरेक्टर साहब मेरे घर पे आए, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इसमें से सबसे अच्छा रोल किसका है? मैंने कहा विलन में कौन है?
उसको लगा कि मैं अपनी फील्डिंग कर रहा हूँ. ऑल ऑल डन ऑल कास्टिंग फिनिश. मैं कहा नो नो सर जस्ट टेल मी यू वॉच चंकी पांडे इन माई फिल्म. मैं कहा है जब फिल्म लगी मैंने देखा फोन किया मुझे. मैंने फोन किया मैंने कहा द बेस्ट एक्टर द बेस्ट कैरेक्टर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म इवन द हीरो हीरोइन सब कुछ साइड पे करो वॉज चंकी पांडे. थैंक यू क्या बात. मैंने इसको बचपन से जोकर समझा था लेकिन मैंने कहा ये इज अ सीरियस एक्टर यार. शख्स आज तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला यार दैट इज द प्रॉब्लम. अरे तू रिवॉर्ड के पीछे रहता अवार्ड कहां से मिलेगा. ये तो घर भी जाता है जब कुछ कमाई ना हो तो अगर घर से बीवी 10,000 या 50,000 की गड्डी नहीं दे घर में एंट्री नहीं करता. कहता आज तो कुछ कमाया नहीं है. वाह वाह वा. मैं तो अपने बच्चों से कमीशन लेता हूँ. अरे शक्ति सर एक बात पूछनी थी आपसे. बड़े भाई होने के नाते सलाह भी है कि मशवरा भी लेना चाहते हैं लोग कि जैसे आप दोनों की जो बीवियां हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है तो इस चीज़ का फायदा होता है कि इस चीज़ का नुकसान होता है. मैं बोल रहा हूँ बीवी इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री की ना हो बीवी जो उनकी इंट्यूशन है उनकी दो आंख नहीं है कुछ चार पांच आंखें हैं. एक दिमाग नहीं है रावण की तरह इतने दिमाग आपकी चाल से बता देंगे कि ये कहाँ से आया है. मैं तो एक रात ऐसे सो रहा था तो मेरी बीवी ऐसे सूंघ रही है. सूंघ रही है हाँ कि ये परफ्यूम कौन सा है. अच्छा मेरा तो पर्चों में आ गया था कि इसकी शादी हुई है कुछ 40 दिन में तलाक हो जाएगा लेकिन लोग परेशान हैं आज तक कि शादी को अभी 38 ईयर्स हो गए. शक्ति कपूर का एक किस्सा ही नहीं सुना. मेरा एक दोस्त है कुक्कू मलिक दिल्ली में वो कहता है कि ये जो औरत है ना ये कभी कसूर करे तो कसूर उसका नहीं होता है कसूर कसूर का होता है उसका नहीं होता. बट ये तो हकीकत है पाजी आपकी जिंदगी में भी शादी के बाद तो आपने भी ये छापना डबल ट्रिपल कर दिया. मैं ये मानता हूँ शक्ति सर होता है होती ना कि कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आती है. बिल्कुल मैं और फिर बेटी हुई. यस नहीं नहीं मेरी तो दो है. इसके दो दो है इसके बाद वो बहुत ही लक्ष्मी है. ये तो पड़ोस की दो बेटियों को भी गोद लिया हुआ है पूरे मोहल्ले के बेटियों को गोद लिया ताकि लक्ष्मी आती रहे. बट मेरे साथ तो हकीकत है मैं पहली मरतबा टीवी पे बोल रहा हूँ कि जब मेरी शादी हुई मैं कुछ 7-8 लाख रुपया किसी से लोन लिया हुआ था मैंने फर्स्ट टाइम वो जो मैंने घर लिया जो आज तक है वो पैसा बहुत. और शादी हो गई उसका ब्याज भी भर रहा हूँ. वो आदमी बड़ा लकी था जिसने मुझे पैसा दिया. अच्छा। मैं अभी भी कोई प्रॉपर्टी लेता हूँ तो 100 रुपया 100 रुपया उनसे ले लेता हूँ. कौन है ये? कौन श्याम शरफ. श्याम जी. तो मैं उनसे हमेशा अभी भी गुड लक लेता हूँ. तो 7 लाख मैंने लोन लिया हुआ था जो उस टाइम भारी पड़ रहा था. तो बीवी के आने के बाद आई स्वेयर टू यू आई गेव द मनी बैक इन अबाउट 2 मंथ्स एंड देन माय सन वाज बॉर्न आई बॉट अनदर. फिर मेरी श्रद्धा देवी आई फिर तो मैं खरीदता गया. गॉड ब्लेस पर काम भी करता रहा. इंडस्ट्री का सबसे richest एक्टर मनी वाइज एंड हार्ट वाइज आल्सो वेरी बिग हार्ट. बहुत बड़ा दिल है. बहुत बड़ा. चंकी सर यहाँ पे आप तो सुपरस्टार थे ही. बांग्लादेश में तो मतलब बोलते हैं कि आप मतलब पागल हैं लोग आपके लिए. करेक्ट करेक्ट. क्या हुआ वहाँ पे क्या किया आपने ऐसा? वहाँ तो बोलते थे दैट शाहरुख खान इज द चंकी पांडे ऑफ इंडिया. आई मीन मैं इतना बड़ा स्टार था. क्या बात है. हाँ ना व्हाट मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ. यहाँ जैसे सलमान की लगती ईद पे वहाँ मेरी ईद पे फिल्में लगती थी. बड़ी बड़ी ओपनिंग देती थी बिकॉज आई डिड 2 फिल्म्स इन बांग्लादेश. और जब मैं पहली फिल्म कर रहा था तो जो क्राउड था वहाँ से आवाज आती थी चंकी पांडे केम ऑन आचन. मैं खूब आलो चंकी पांडे. मैंने कहा यार मैं शक्ति को चंकी पांडे कैसा है चंकी पांडे कैसा है. देन आई केम एंड टोल्ड हिम यार यू सो पॉपुलर यार इन बांग्लादेश. आप तो बहुत फिर शोज वो किए होंगे आपने ना चंकी सर. शोज डिस्ट्रीब्यूशन और काफी लोगों से पैसे भी लेके आया था इसलिए मेरा नाम ले रहे थे वो लोग. पहली पिक्चर जब की थी तो मैंने रट्टा लगाया था और मुझे फिर रात को बंगाली में सपने भी आने लगे कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप मेरे साथ बंगाली में बात कर रहे हैं.
तो सेकंड फिल्म में मैं हिंदी बोलने लगा और वो मेरी आवाज डब करते थे, बस उसके बाद मैं हिंदी बोलता था। इसकी हिंदी भी इतनी फंटास्टिक है कि हिंदी में बोलता है, वो भी डब किसी से करा नहीं। अच्छा, थोड़े दिन पहले गोविंदा सर आए थे, वो एक किस्सा सुना रहे थे, तो पहले मेरे को लगा वैसे हंसाने के लिए सुना रहे हैं, तो मैं कहा आपसे कंफर्म करता हूँ, ये रिमेंबर अर्चना जी, कौन सा उन्होंने बोला था कि वो एक जो बंदर था आंखें फिल्म में, वो शराब बड़ी पीता था। अरे रे रे, ऊपर वो सही बात है, उसने गोविंदा ने तो आपको आधी कहानी सुनाई है। ओ बाप रे बाप, वो बंदर शैतान बंदर था, मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमल ऑफ साउथ इंडिया, एनिमल्स का रजनीकांत था वो पूरे एनिमल किंगडम में। अच्छा, और जब आता था, छह असिस्टेंट आते थे, सन एंड सैंड होटल में रुकते थे, बिजनेस क्लास में आता था, बंदर भी रुकता था सन एंड सैंड के स्वीट में, और रोज छह बोतल दारू पीते थे सबके सब। मैं और गोविंदा इतने चिढ़ते थे बंदर के साथ, क्योंकि बंदर की हम लोग से डबल पेमेंट थी। बंदर को मिले थे 20 लाख रुपए पिक्चर के, और हम दोनों को मिला के 18 लाख रुपए मिले थे पिक्चर के। और उस फिल्म के अंदर मैं भी था मेन विलेन, जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो मैं बंदर और चंकी में मिक्स हो जाता था। बहुत खराब बंदर था, काटता था मुझे, 4 बार तो इंजेक्शन लगे उसके चक्कर में, पेट में इंजेक्शन। बंदर ने कसम से, इसका शिमला जाना बैन, जहाँ जहाँ बंदर होते उस इलाके में अलाउड नहीं है कि कोई भी बंदर यहाँ बैठ जाता है, और सीधा आर्चना। हाँ तो कपिल पाजी, अच्छी अच्छी बातें तो बहुत हो गई शक्ति जी के बारे में, अभी एक थोड़ी बुरी बातें बताता हूँ। अच्छा जी, इनको रिश्वत देने की बहुत बुरी आदत है, प्रोड्यूसर्स को रिश्वत देता है। भाई साहब चले गए थे बैंकॉक, वहां से कुछ 20-25 नकली सोने की घड़ी लेके आए थे, और हर प्रोड्यूसर जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनको एक घड़ी गिफ्ट की इन्होंने, और कहा भाई चंकी का रोल थोड़ा काट देना और मेरा थोड़ा बढ़ा देना। चंकी पांडे, मैं जिंदगी के अंदर ऐसा कभी कोई काम नहीं किया जिसके अंदर मेरा नुकसान हो। अच्छा, ये देखो। वैसे शक्ति की एक आदत मुझे याद है कि शक्ति, मुझे तूने बोला था कि मैं किसी प्रोड्यूसर को जो मेरे घर आया हो फिल्म के लिए, मैं उसे कभी वापस नहीं जाने देता बिना साइन किए। मैं जिंदगी में बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरे घर में आया हुआ प्रोड्यूसर कभी खाली हाथ नहीं जाता है। खाली हाथ नहीं, खाली हाथ मेरे को नहीं छोड़ के जाता है। देते ही जाता। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं काम को कभी ना नहीं बोलता हूँ। हाँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैंने ये शक्ति जी से बहुत अच्छी बात सीखी है कि रोज सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कंगाल हूँ, आज मुझे पैसे कमाने हैं। Oh. और जब आदमी ऐसे रहता है, then he really wants to work and at whatever age he'll keep working. That's a good thing. और ये मैंने शक्ति जी से सीखा। तो हाजरीन, दिल थाम के बैठ जाइए, भूचंद अकेडमी के कलाकार भूरी और चंदू आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं लोकप्रिय नाटक देवदास। देव बाबू, इतना क्यों पीते हो? तुम्हारे जितने तो नहीं पीता मैं। कल तुम 1.5 बोतल पी गई, मैंने कुछ कहा? हाँ मैं पी गई, लेकिन आपकी तरह ड्रिंक और ड्राइविंग में नहीं फंसती ना। फंसोगी तो तब ना जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी। तुम्हारे पास गाड़ी तो है नहीं, कल ये बकरी पर बैठ कर मुँह से कर रही थी। देव बाबू बहुत ज्यादा हो रहा है, जब पचती नहीं तो इतना पीते क्यों हो? हम इसलिए पीते हैं ताकि तुमको बर्दाश्त कर सकें। नहीं तो 1.5 बोतल के बाद भी हमें पारों में पुरुषोत्तम नजर आ रहा है। क्यों 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 पारो क्यों? इससे ज्यादा कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी देव बाबू। आपके इंतजार में आपकी पारों ने कब से दिया जलाकर रखा है? यही तो प्रॉब्लम है कि सारी स्ट्रीट लाइट्स तुमने भेज दी और दिए जला लिए। इधर से तुम्हारे फूफा ने आ देखो भरो, लॉकडाउन में मैंने अपने आप को सैनिटाइज किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आ रही हो। सोशल डिस्टेंसिंग देव बाबू, सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार ने कहा है 2-2 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए। कभी बैंड स्टैंड जाकर देखा है? बड़े बड़े पत्थरों के बीच कैसे लौंडे लपाटे मामा मियां कर रहे होते हैं। देव बाबू, आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ये हंसाने का तरीका, इतना सब करके भी आप सोने को 2 मिनट हंसा नहीं पाते।
हंसाने की बात तो तुम करो ही मत। तुम्हें पता है तुमसे कहीं अच्छी एक्टिंग राजा बाबू में नंदू के नाड़े ने की थी। ऐसे ऐसे लटकता रहता था। देव बाबू आप एक बात बताइए, आप सब कुछ ओवर क्यों कर देते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? चैनल कहता है खुल के करना छोड़ दो, कप्पू कहता दब के करना छोड़ दो, तुम कहती हो सब कुछ छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, इससे पहले कि सोनी तुम्हें यहाँ से उठा के अमृतसर छोड़ दे। मुझे तो वो चलो अमृतसर छोड़ कर आएंगे, तुम्हें गेट के बाहर ही छोड़ दे रहा हूं मैं। कि जाओ बहन जी, सर मत खाया करो, जाओ। हो गया खत्म नाटक, तालियां मरवाओ, जोरदार तालियां भूरी और चंदू के लिए। शक्ति सर, शक्ति सर, मैं चंदू सबका बंधु। भूरी सर, आप दोनों को कैसी लगी हमारी ये नुक्कड़ नाटक की पेशकश? वाह, ये दादर का देवदास प्रेल की पारो। नुक्कड़ नाटक जलसी लेवल चेक करो अर्चना मैम आप। ओहो क्या बात है कपूर शर्मा, इसको कॉस्ट्यूम ड्रामा कहते हैं। अच्छा कॉस्ट्यूम ड्रामा, जब तुम्हें कॉमेडी सर्कस में बुलाया था तब क्यों चले गए थे 5 एपिसोड के बाद? पता नहीं चल रहा कहाँ पे कुर्ता खत्म होता है, कहाँ से धोती शुरू हो रही है। सर चक्कर पता क्या है, भूचंद अकेडमी में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे जितने भी नए नए इधर आर्टिस्ट आ रहे हैं ना आजकल फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर जो लड़के आ रहे हैं उनमें ना एक वेरिएशन की कमी आ रही है, तो वो मैं थोड़ी सी वो दूर करता हूँ उनकी। अच्छा। 1000 से ज्यादा एपिसोड हो गए। हाँ। सेम कर रहा है। ओए होए होए, वेरिएशन कपूर शर्मा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम्हें ना नॉलेज बहुत कम है। तुम्हें पता जैसे बच्चन साहब का हाँ है, शक्ति सर का तोन्ना तोन्ना दाता तोन्ना है, चंकी सर का मामा मी है, वैसे ही चंदू का ओए होए होए है, ये बड़े लोगों के स्टाइल होते हैं, नहीं समझ में आता तुम्हें? तकिया कला, वाह वाह, ये स्टाइल की बात कर रहा है। दिवाली पे सब लोग कुर्ते पजामे पहन के आए, ये बाथरूम के साथ अपनी दादी की सलवार पहन के आ गया, ये स्टाइल की बात कर रहा है। अच्छा वो जो मिलन सुमन निवस्त्र होकर बीच में भाग सकता तो मैं क्या अपनी दादी की सलवार पहन सकता हूँ? गेस्ट आए हैं लेकिन तुम दोनों के किस्से क्यों नहीं खत्म होते? हमारे किस्से खत्म नहीं हो रहे इसलिए तुम्हारे हिस्से चलते जा रहे हैं। मेरे हिस्से मेरे टैलेंट से चल रहे हैं चंदू। टैलेंट तो बहुत है इसमें सर, ये मतलब आप जाओ जब कभी ट्रेन में लोग ऐसे नदी में सिक्का नहीं फेंकते ऐसे मन्नत मांग के, ये नीचे खड़ी रहती पुल के नीचे, जैसे इसने देखा सिक्का गया कहती गया ये शुभची, डुबकी मार के पकड़ मुंह से पकड़ लेती है, टैलेंट है अपना अपना टैलेंट। बात सुनो ये डुबकी क्या होता है, माइंड योर लैंग्वेज, भूरी सी ड्राइविंग करती है। सी ड्राइविंग, ड्राइविंग नहीं डाइविंग, सी डाइविंग चंदू। ये उसे डुबकी लगाकर सिक्के उठाती है और तुम्हें पता नहीं चलता कौन तुम्हारी साइड पे कौन तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। सीखो मुझसे कुछ। तुमसे सीखूं? देखो चंदू, जिसके खुद के अंदर आयोडीन ना हो ना वो बाकी लोगों को नमक नहीं बांटते। शाबाश भूरी, आना फिर शाम को मेरे ढाबे पे चंदू, एक कटोरी नमक देना तो मैं कटोरा भर के नमक का दूंगा मैं। इतनी स्ट्रगल करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। ओए एक साथ 2 पजामे 3 बनियान खरीद लो, उसको मकाम नहीं कहते, मुकाम हासिल किया है। शक्ति सर आप इसको छोड़ो, इसके तो ग्रह भी स्ट्रगल कर रहे हैं और कल तो सारे इसके ग्रह एकत्र होके पंडित जी को बोल रहे थे कि हमें किसी और की कुंडली में डाल दो। शाबाश मेरा बच्चा, ये तेरा है, इसका जूस निकाल के उनको पिलाना जिन्होंने तुम्हें पाला है। और तुम मुझ पे बातें बना रही हो, कोई बात नहीं शाम को आना मेरे पास, कप्पू की गाड़ी के साथ मेरी पिक्चर खींच दो, अपने मोपेड के साथ फोटो खिंचवाना, फिर देखता हूँ कितने लाइक्स आते हैं तुम्हारी फोटो के नीचे। पिक्चर खिंचवाए मेरी जूती, हाँ नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हें पता मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझे इससे है कि खूबसूरत तो लगो फिर भी। अगर तुमसे ये अच्छे कपड़े और मेकअप छीन लिया जाए ना तो पीछे क्या बचता है, 150 ग्राम के बंगालन। एक बंगालन की अगर हट गई ना चंदू, तुम्हारी लाइफ की ना मैं मिष्टी दोई कर दूंगी, मैं बोल रही हूं। मिष्टी दोई की 3 प्लेट करना, सर भी आए हैं वो भी खा लेंगे। चंकी सर मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए 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 बोलिए। क्यों ना आप देवदास का कैरेक्टर करें मेरे साथ, ताकि इन्हें भी तो पता चले कि कैरेक्टर करते कैसे हैं। हाँ जी हाँ जी, करो 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 करो, आपको भी पता चले मेहनत क्या होती है इसके साथ। चलो सीखो। चलो देव बाबू। ये कैसा देवदास है? पिये ना पिये ना। पारो पारो, तेरी झील जैसे आंखें देखकर
मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें डूब कर मर जाऊं। सच कहने दे बाबू। I'm a joke. ना इधर इतनी ठंड पड़ी है ना कलेजे में, ओ ऐसे लगता है यहाँ किसी ने फ्रिज लगा दिया है। क्या सर आपका जोकिंग टाइम पे आया है? चंदू मैंने तुम्हारी ये आंखें निकाल के ना गोटियां खेलूंगी मैं। आंखें निकाल के गोटियां बाद में खेलना, पहले कपड़ा निकाल के साहब की गाड़ी साफ करो पहले दोनों। तुम दोनों की वजह से ना। और मेरी बात सुनो भूरी, और मेरी बात सुनो, तुम जाके भी तिहाड़ी बनाओ। यार यार क्यों रुको मेरी बात, ओए और मेरी बात सुनो। चलो शॉल से वापस। वाह। अच्छा आजकल स्कूल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह बैन है, कर नहीं सकते आप, लेकिन हमने शक्ति सर के बारे में सुना है कि जब ये एफटीआई में थे तो इनके साथ रैगिंग हुई थी, क्या हुआ था सर वो? वो यार एक किस्सा, तो एक्चुअली मैं जब इंस्टीट्यूट में एंट्री हुई तो मेरे साथ राकेश रोशन जी थे, प्रमोद खन्ना थे और दो तीन बड़े बड़े स्टार्स भी थे जो हमें इंस्टीट्यूट छोड़ने आए थे। तो मैं और मेरा एक और दोस्त अनिल वर्मन, हम लोग राकेश रोशन जी का एक बंगला है खंडाला में, अच्छा जी, वहाँ से लंच खाते हुए और बियर पीते हुए दो दिन पहले इंस्टीट्यूट पहुँच गए और वो हमको छोड़ने आए ताकि वहाँ का एटमोसफियर देख के हम लोग एडजस्ट हो जाए। तो हाथ में बियर पकड़ी हुई है, गाड़ी आके रुकी बॉयज़ हॉस्टल के सामने, एक शख्स खड़ा था, बड़ी तगड़ी बॉडी वॉडी, सांवला सा, धोती पहनी हुई थी, धोती में भी इतने छेद होंगे कि मुझे लगा पता नहीं कौन है यार। तो वो आया कि राकेश रोशन के पाँव को हाथ लगाया, प्रमोद खन्ना से मिला और मेरे हाथ में बियर की बॉटल, और मैं बोला उसको कि You want to have some beer? Well, no, no, I don't drink. My name is Mithun Chakravarti. Ooh, dada, dada. So I said, oh, what a good physique you have. You know, you look like a marble. Puri body, body fit. Chale gaye, Rakesh Roshan ji, Pramod Khanna ji chale gaye. Hum log apne room mein jaake check-in kar rahe hain. Ke piche se ek haath aaya mere baalon mein. Dad! मैंने मुड़ के देखा तो मिठुन चक्रवर्ती, क्या बोला साले? You wanna have some beer? I am 1 year senior to you. ऐसी बालों से घुमाया, बोले तुम अभी इंस्टीट्यूट आए नहीं हो और हाथ में बियर लेके एंट्री कर रहे हो हॉस्टल में, इधर चल। मेरे बाल से पकड़ता पकड़ते पकड़ते ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ और एक रूम में ले गए और ऐसे ही फेंका मैं नीचे धड़ाम और लाइट ऑफ हो गई। देन तीन टांगे मुझे दिख रही हैं तगड़ी तगड़ी। मतलब मैं नीचे हूँ और ये शॉर्ट्स में एक आदमी यूं खड़ा है, ये किसकी टांगे थी? विजेंद्र घाटके की। इधर एक और टांगे दिख रही हैं, एक और आदमी लंबा ऊंचा हट्टा कट्टा राहुल देव सिंगर, और इधर एक और टांगे दिख रही मिठुन चक्रवर्ती। बोले इज आस्क मी फॉर बियर, यू वांट हैव सम बियर? इसके बाल कैंचिला, बड़ा हीरो है, कच कच मेरे बाल, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, आधे यहाँ से आउट, तो मतलब ये कुछ बाल ऐसे बचे। फिर जो बच्चों के बाल थे उसे खींच के ले गए। सीढ़ियों से नीचे आया, थोड़ा और खेतों में ले गए, वहां देखा स्विमिंग पूल था। मतलब वो छुट्टियों की वजह से इतना गंदा था कि मजा आ जाए उसमें तैरने में। तो ऐसे किया, यू नो हाउ टू स्विम? मैं कहा या लिटिल लिटिल, धार लात पड़ी सीधा पानी में। ओह माय गॉड, ठंडा पानी, ठंडा पानी। बोले अभी 15 ब्रेथ कर, लेंथ कर, मैं दो के बाद मतलब मुझे घर जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे दिल्ली जाना, मेरे को नहीं एक्टर बनना मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने पूछा आपसे बियर के लिए, मुझे माफ कर दो। फिर मिठुन ने बोला यार ये कुछ हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे, इसको बाहर निकालो। और मैं बाहर सॉरी, बोले आइंदा किसी सीनियर से ऐसी बात नहीं करना, यू वांट हैव सम बियर? मैं कहा नो। तो सीरियसली मुझे हॉस्टल के रूम में ले गए और सब लोग अपने अपने कमरे चले गए। दरवाजे पे नॉक हुआ, मैंने कहा मैं क्या काम से, मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला, बोला मैं हूँ।
देखा मिठू ने, मिठू ने बोला देख मेरे को तेरे को इतना करने की जरूरत नहीं थी जो मैंने किया, आई एम सॉरी. अभी तू रात भर तेरा बैंड बजने वाला है क्योंकि पूरे हॉस्टल में बात फैल गई है कि तूने सीनियर से ऐसे बोला. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तेरे रूम के बाहर ताला लगा देता. एंड ही पुट अ लॉक. कैन यू बिलीव इट, पूरी रात मुझे फुटस्टेप्स के साउंड आ रहे थे कि ये साला किधर गया, किधर गया, किधर गया, वो बिल्ली आंखों वाला किधर गया. और मिठुन ने मेरे को बचाया. एंड देन आफ्टर दैट कैन यू बिलीव इट, मिठुन एंड आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स. वाओ. और जिंदगी के अंदर मैं इंडस्ट्री में किसी से डरा नहीं, किसी के बाप से डरा नहीं, डरा हूं तो सिर्फ एक ही आदमी से, मिठुन, जिसका नाम है मिठुन. वाओ. मतलब दादा इज्जत. हमने इतनी फिल्में की साथ में, मैं बहुत जगह फंसता था, डेट्स में फंसता था, फिर मेरे से कुछ बदतमीजियाँ भी बहुत हुई हैं. और मैं जब बहुत ज़्यादा फंसता था, मैं मिठुन के पास जाता था, बोलता था मिठुन मुझे बचा ले यार. वो बहुत बड़ा स्टार था. मैं को मैंने यहाँ पे ये किया है, मिठुन बचाता था, मैंने ये किया है, मिठुन बचाता था. और फिर मिठुन का ये था कि मेरी हर फिल्म में विलन कौन होगा, मुझे शक्ति कपूर चाहिए. क्या बात यार, क्या मजेदार किस्से हैं. मिठुन दास, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम वी हैड स्टेड इन हिज होटल इन ऊटी. याद है ना वो कौन सा होटल था? वो मोनार्क. मोनार्क. तो उसमें कांच के एलिवेटर लगे थे, तो हम लोग ने कभी कांच के एलिवेटर देखे नहीं थे. तो हम लोग इतने खुश हो गए, मैं, सतीश शाह, राकेश बेदी, कि हम लोग एलिवेटर में ऊपर नीचे ऊपर नीचे. तो एक दिन दादा ने पकड़ लिया लॉबी में, साले तुम लोग कर क्या रहे हो, जॉय राइड ले रहे हो क्या? ऐसे नहीं, ऐसे ही मजे ले रहे एलिवेटर में. इसे साला एक बार जब ऊपर जाता है 500 रुपये लगते हैं. तो जब तक हम लोग उनके होटल में रुके थे, उन्होंने एलिवेटर बंद कर दिया, हम लोग को चल के जाना पड़ता था रूम में. मिठुन दा, ये तो मिठुन दा की बात है, इनकी बिल्डिंग वालों ने भी एलिवेटर बंद किया. मैं वैसे मेरे सोसाइटी के पैसे भी खा चुका हूँ. क्योंकि सोसाइटी का सेक्रेटरी यही है. नहीं नहीं, मैं 3 बार तो इलेक्शन हार चुका हूँ मेरे सोसाइटी में. क्यों? मेरे घर वालों ने भी वोट नहीं दिया मुझे. मेरा डिपॉजिट जब्त हो गया. अच्छा, आप तो शक्ति सर एफटीआई गए, चंकी सर ने तो सीधा अक्षय पाजी को सिखाई एक्टिंग. बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने टीचर के लिए कुछ बोला है. वैसे मैं आपका गुरु जी हूँ ना. मेरा गुरु है, मेरे गुरु है. डांस का गुरु? नहीं नहीं. अच्छा. जहाँ हम एक्टिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे, तो वहाँ के सीनियर थे ये. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक्टिंग इनसे सीखी. तो बिगिनिंग के 10 साल जो थे मेरे करियर के, वो सबसे खराब फिल्में मैंने उसी रखी हैं. और देखो आज जाके इतना बड़ा सुपरस्टार बना है मेरी वजह से. उसके बाद जब मैंने इनकी एक्टिंग भूली है, उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ. मम्मा मिया, ही जोकिंग. इतना मजा आता है शक्ति सर, जैसे आपने आपने चंकी सर आपने आपस के किस्से सुनाए. ये जो प्यार मोहब्बत है ना, कसम से इतना मजा आ रहा है ना सर, मजा आ गया एक्चुअली. अच्छा, ये चंकी सर जो है ना, ये निकनेम देने में बड़ा माहिर है. अच्छा. हाँ, जैसे इन्होंने अनन्या के भी बड़े सारे निकनेम्स रखे हैं जो हमें सुनने को मिलते रहते हैं. हाँ, बेबी है ना मेरी. तो सर हम आपको कुछ एक्टर्स के नाम देते हैं. ओके. ठीक है, आपको उनके निकनेम देने हैं, और सबके साथ आपने काम किया हुआ है. बिल्कुल. सबसे पहले मिस्टर सनी देओल, इनका निकनेम हो तो क्या होना चाहिए? डीके. डीके? हाँ, 2.5 किलो. वाह. और अगर शाहरुख खान साहब, इनको आपने निकनेम देना हो कोई? सरगे 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 सरगे. ठीक है, एसआर के रे. अच्छा. अक्षय पाजी, अक्षय कुमार. AK-47. नहीं नहीं नहीं, एक उनके एज के हिसाब से AK-56 होना चाहिए. अक्षय, I'm joking. रितेश देशमुख. रीटेक देशमुख. ओ संजय दत्त. पाली हिल वाले बाबा. अजय देवगन. साइलेंसर. मुंह से नहीं, आंखों से बोलता है. ओके. अर्चना पूरन सिंह. इसको क्या नाम दे सकता हूँ, आपने दिया ना नाम. कौन सा? द सिद्धू किलर. oh!
देखो मैंने बोला कुछ, जनता बातें कर रही है ना, क्या नहीं बोलता, बुलवाता है लोगों से, जैसा पता है। नहीं अर्चना, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, अर्चना इज द बेस्ट। ओह थैंक यू। देखा कप्पू, मेरी तरफ से बोलने वाले भी है। आई लव यू अर्चना जी, लव यू टू। सर कुछ अफवाहें हैं। हाँ बताइए। जैसे शक्ति सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके कॉलेज के बाहर जो पान वाला था उसे पहले से पता था आप स्टार बनोगे, इसलिए वो आपका पोस्टर दुकान पे लगा के रखता था आपकी फोटो। ये पान वाला कॉलेज के बाहर नहीं था, पर था हमारे एरिया दिल्ली में, उसने मेरा एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा के रखा था। और रात को जब हम लोग तीन चार दोस्त मिलते थे उसी पान की दुकान पर मिलते थे, तो मुझे बोलता था क्यों क्या यहाँ पर धक्के खा रहा है तू, बॉम्बे में ट्राई कर कुछ, तेरा हो जाएगा, ये देख तेरा पोस्टर लगा के रखा है। तो जिस दिन मैं एक्टर बन गया, थोड़ा स्टार्डम भी आ गया था, मैं स्पेशली उसकी दुकान पे गया था, तब तक उसने बड़ी दुकान कर ली थी। अच्छा। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारा कहा सच हुआ, और गॉड ब्लेस यू, आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो मैं अपनी हैसियत से कर सकूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। क्या बात। सर आपके बारे में चंकी सर कितनी सारी अफवाहें हैं कंजूसी वाली, तो एक अफवाह ये भी है कि अनन्या जब छोटी थी तो आपने उसको नकली गोल्ड मेडल ला के दिया था। हाँ वो क्या हुआ था कि स्कूल के रेस में वो बेचारी रॉन्ग डायरेक्शन में भागी थी, भागना था आगे वो पीछे भाग गई, तो लास्ट आ गई और उसको मेडल नहीं मिला, तो बहुत रोई। और मैं सोचा यार बच्चे को डिस्करेज क्यों करे, तो रास्ते में घर लौटते वक्त मैंने वो जो नकली चॉकलेट के गोल्ड बिस्किट मिलते ना वो खरीद के मैंने एक मेडल बना के उसको कुर्सी पे खड़े रह के उसको एक मेडल पहनाया। सो स्वीट यार। सो क्यूट। चंकी सर एक और अफवाह है आपके बारे में कि अनन्या जो है अपने फ्रेंड्स को घर पे इसलिए नहीं बुलाती क्योंकि आप घर में तौलिए में घूमते रहते हो। रियली आई डोंट बिलीव दैट। नहीं मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि इंसान को कम कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं हमेशा टॉवल में घूमता हूँ घर में। रियली? और बचपन से ऐसी आदत है मुझे। शक्ति सर आपके बारे में ये अफवाह है कि श्रद्धा जब छोटी थी तो आप चुपके से उसकी चॉकलेट खा लेते थे, और जब मैडम आप पे भड़कती थी तो आप कहते थे मैं तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था कि मैं चॉकलेट्स तो मैं खुद उसके लिए लेके आता था, और चॉकलेट्स तो श्रद्धा से ज़्यादा उसकी मम्मी को अच्छे लगे, मीठा ज़्यादा शिवांगी खाती है। अच्छा। लेकिन अब उल्टा हो गया है, चॉकलेट्स अभी घर में सब ने खाना बंद कर दिया एक्चुअली। शक्ति सर एक अफवाह ये है कि आपके जो ब्रदर हैं उनकी शक्ल आपसे इतनी मिलती है कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि लड़की को इम्प्रेस वो करते थे, डेट पे आप चले जाते थे। उल्टा हुआ। उल्टा था। उल्टा हुआ कि मेरा ब्रदर एक्चुअली बलदेव पुष्करना जी की शूटिंग थी, तो मुझे किसी ने बोला कि आज का दिन शूटिंग में मत जाना, कुछ गलत सूरज वूरज का लफड़ा है। तो मैं अपने आप को लॉक करके एक रूम में, मेरा भाई आया हुआ था बॉम्बे, पप्पी नाम, तो बलदेव जी आए, तो ये मेरा भाई हॉल में बैठा हुआ है, तो बलदेव है चल ना चल तू शूटिंग तो ऐसे बैठा है टीवी देख रहे। सीरियसली बलदेव पुष्करना जी, वो विनोद खन्ना जी हीरो थे, और वो कह रहा मैं नहीं हूँ, मैं पप्पी उसका भाई, आज चलना चलू हमारा। मतलब मेरा भाई स्टार्टेड क्राइंग यार, क्या मैं नहीं हूँ। तो फिर जाके शॉट दिया कि वहीं बैठ गया। मैं तो रूम से नहीं निकला। तो मैं मुनून की तरह सूरज की किरण लग गई, आड़ी टेढ़ी हो गई, उन्हें मुंह टेढ़ा मेरा। और कितना आड़ा टेढ़ा हो सकता है। चंकी सर एक अफवाह है आपके बारे में कि आप दिन भर में इतनी ग्रीन टी पीते हैं कि जब कभी आप गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल की जगह हरा हो जाता है। अरे मैं ग्रीन टी का इतना इस्तेमाल करता हूँ, पहले तो चश्मा भी ग्रीन पहना है, चश्मा, आई लव ग्रीन टी, तो मैं पहले वो डुबोता हूँ 10-15 कप एक ही पैकेट से निकालता हूँ, और नहीं फिर वो खत्म होने के बाद मैं अपने आंखों पे डालता हूँ, बिकॉज उससे आंखों की सूजन चली जाती है। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे कौन है, बचाओ बचाओ बचाओ, भाई साहब मेरे को बचाओ भाई साहब। आ जाइए कब्जे में जुपिटर। हाँ रॉबर्ट सही कहा, ये कपिल साहब आपकी बहन अपुन के कब्जे में है, और इसको जिंदा चाहते हो ना तो कीमत है 2 करोड़। एक मिनट के लिए छोड़ेंगे।
इधर मैं 2.5 साल से खुद 1 करोड़ मांग रही, मेरे को नहीं मिला, तेरे को आते 2 करोड़ चाहिए इधर। हिसाब से मांगो, हिसाब से। 20 रुपए दे दो। ऑटो का भाड़ा मांग रहे क्या नल्ले? नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते। कैसे देख, इसको बोलते विलेन। नमस्ते करने के लिए भी हाथ उठाते हैं ना, ऐसा लगता मेरे को उठाने वाले ऐसे रहते। वेरी नाइस। अच्छा चलिए बता, कौन सा फल है ये? ये एप्पल है। नहीं, ये लीची थी। ये शक्ति जी के डर से सेब बन के बैठे लिए, उसको डर है कि कहीं लीची का ढिंकी चिकी ना कर दे। ये मेरे ये सपना, कौन है ये लोग? ये जावेद अली साहब हैं और ये अब्बास मुस्तान जी, तेरे को साइन करने के लिए आए, देख ले रहा विलन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। माई सेल्फ राजेश, आई एम अ विलियन सर। और सर आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्रेडिट कार्ड बनवाने आए क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। एक एटीट्यूड रहता है विलन का, एटीट्यूड रख अपने अंदर। चिराग घिसा है मैंने। जी नहीं तू जी। अरे हो सकता है तेरे को पिक्चर में ले ले रे, कोई अच्छा डायलॉग बोल के सुना उनको। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। उन्होंने पूछा तू कौन है, क्या है, क्या करता है। कुत्ता बता दिया। शक्ति कपूर जी बैठे ना, दूसरे विलन का डायलॉग काय को? इनका डायलॉग सुनाओ ना। मारा नाम है क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, गोटियां गोटियां गोटियां। ऐसे बोलते हो? ढंग से बोलना, ऐसे थोड़ी बोलते हो। ये गुलशन ग्रोवर स्टाइल में बोल रहा है। धक्के चकिया, मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। शक्ति कपूर समझते अपने आप को? नहीं नहीं, उनके सामने उनकी मिमिक्री करेगा तू? वो कौन बैठे ले? आखिरी पास्ता, और वो देख आखिरी रास्ता, निकलो इधर से। चलो बड़े आए इधर। हाय, वेरी नाइस। हाय, बड़ा अच्छा लगता है। अरे क्या विलन बनेंगे लोग, विलन तो आप लोग थे 80s 90s की फिल्मों में। शक्ति कपूर जी जब आते थे ना, ऐसे पर्दे के ऊपर अपीयर होते थे। अरे माय गॉड, वाइफ लोग हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती थी। हाँ, बच्चे लोग आंख बंद कर लेते थे और लड़का लड़की किस करने लग जाते थे। डर के मारे किस कौन करता है? डर के मारे लोग किस नहीं करते? नहीं करते। एक मिनट रुक, नहीं कर। हेलो मोहन, ये लोग तो बोल रहे लेके डर के मारे कोई किस नहीं करता, काय को किस किया तूने मेरे को? क्या मैंने किया था? अच्छा वो मुकेश को मत बताना। हाँ, मैं उसको बता चुकी है कि सारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा ठीक है। इसको तो कोई किस करके खुद डर जाए। ट्राई करो ना, कभी डरोगे नहीं आप। सपना यहाँ कैसे आज, कैसे मतलब क्या? मैं एक्चुअली कप्पू इनको ना राय देने के लिए आई थी एक। क्या? अच्छा वो पद्मिनी कोल्हापुरी जी आपकी साली है ना? हाँ। हाँ, वो पिछली बार आए थे पूनम जी के साथ में जी। इस बार आप चंकी जी के साथ आए। मैं क्या चाहती अगले एपिसोड में ना शक्ति जी को अपनी साली के साथ बुलाना। क्यों? ताकि हमारा एपिसोड और भी शक्तिशाली हो जाए। कोई ढंग की बात करेगी कि नहीं? नहीं, मैं ढंग की नहीं, मैं चंकी बात करेगी। चंकी पता क्या, सेंटेंस एकदम नॉर्मल है, बात में ऐसा सेंटेंस है, लेकिन इसको आप राइमिंग के हिसाब से सोचेंगे ना, आपको बहुत हंसी आएगी। ढंकी चंकी। माय नाइस कॉमेडी है। स्वीट। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ऐसा सुन के अंदर से बहुत खुशी होती है ना। बहुत बहुत, एक फैन मिल गया। नहीं नहीं, सच में देखो क्या है ना, कि आपकी खुशी में इसकी खुशी है। अच्छा। इसकी खुशी में हमारी खुशी है और हमारी खुशी में इनकी EMI है, ऐसे ही रहता है। ये क्या रहते हैं ना, सृष्टि का एक नियम रहते हैं। हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अभी देख लो, तेजाब पिक्चर में थे आप। करेक्ट थे। उसमें अगर आप नहीं मरते तो अनिल कपूर लोटिया पठान को नहीं मारते। यस। अगर वो लोटिया पठान को नहीं मारते तो वो लोटिया पठान के साथ गोटिया खेलते। और अगर लोटिया पठान गोटिया खेलते तो फिर शक्ति जी आंख निकाल के क्या खेलते, लूडो? नहीं, ये सृष्टि का नियम रहता है सर, ये कोई ना कोई एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बात तू बातें जितनी मर्जी करा लो, गेस्ट के लिए ले आती कुछ? चंकी जी के लिए लाई है ना मैं। क्या क्या क्या?
एक सवाल लाई हूँ इधर, कुछ नहीं मैं तो ऐसे कर। अच्छा। मेरा एक सवाल था एक्चुअली ये हरे दुपट्टे वाली का नीले दुपट्टे वाली से एक सवाल था कि आप जो है वो हमेशा लाल दुपट्टे वाली का नाम क्यों पूछते? क्योंकि आपके होठ लाल है इसलिए। अच्छा। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ताना। क्या बात। अच्छा ये पिक्चर तो हिट थी। अच्छा वो आप बाहुबली में नहीं थे क्यों? वरना उसको बोलते हो ओ लाल कटप्पे वाली अपना नाम तो बता। वे फालतू बातें कर रही है, कितने बड़े स्टार है पता तुझे? अरे नहीं बहुत बड़े स्टार है, मैं तो जानती हूँ। हम लोग अपनी बातों में लगे रहते ना इधर, इतना पैसा है, ये वो 7-सीटर कार है हम लोग के पास है, इनके पास 70-सीटर गाड़ी है मालूम है। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है? बस में आए ना वो। बस में आए ले वो, जुहू से परसों ही निकल गई थी। बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगा, कमाई करके आऊंगा, तो सवारी भी लिए थे रस्ते में, कई सारा सवारी लिए। इनको रहते ना कि 4 पैसा रस्ते में भी कमा लो। इनका बहुत बिजनेस माइंड आदमी है। अच्छा। हाँ लोगों का जूस का बिजनेस रहता है, इनका कंजूस का बिजनेस। हो गई तेरी फालतू बातें, अरे चल जा यहाँ से। अरे नहीं रे कप्पू, मैं तो मेन एंटरटेनमेंट के लिए आई ले, मैं तो हंसाने के लिए आई रही, एंटरटेनमेंट मेन रहता है ना। देखो जिंदगी में दो ही चीजें मेन है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा और एंटरटेनमेंट में नंदू का नाड़ा। ओहो। नंदू का नाड़ा तेरे को याद है? उनका मामा मियाँ इतना फेमस, उनपे कुछ नहीं बनाया? पहले मैं अपने मामा मियाँ से तो बना लूं। हो गई तेरी बातें, क्या भी है कुछ बाकी? अरे नहीं मेरा मेन धंधा रह गया ना सर। क्या? सपना ब्यूटी पार्लर, पार्लर है ना हम लोग का। आप तो जानते हैं अलग अलग टाइप का मसाज रहता है मेरे पास में, तो आपके लिए स्पेशल मसाज है। क्या? ढिंकी चिकी मसाज। ढिंकी चिकी? हाँ। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं कप्पू, कस्टमर आते हैं, हम लोग कस्टमर को लोनावाला लेके जाते हैं, तो मैं उसका कपड़ा उतार के उसको लिटाती है, और फिर मैं क्या देखती है, मैं तेल लाना तो भूल गई। तेल लाने के लिए मार्केट जाती है मैं, मार्केट जाके देखती हूँ सब दुकानें बंद है उधर तेल की, तो फिर मैं चिक्की खरीदती। चिक्की खरीद के मैं आती है उधर, देखते कस्टमर तो अभी तक सोए है, पूरा दिन सो रहे, अभी सोचते रात को उठेगा तो इसका मैसेज करेगी। हाँ। तो फिर रात हो जाती है, वो लोग सोते रहते रे, फिर मैं सोचती शायद अभी तेल मिल जाए, फिर मैं मार्केट जाती है, फिर मार्केट जाती है देखती दुकान फिर बंद है, तो मैं रात को भी चिक्की खरीदती है, फिर मैं रात को भी लौटती है। ये लोग बहुत सीधे, कब से सुन रहे मेरी बात। नहीं मैं तो फिर मैं रात को आती है चिक्की लेती है, देखती तभी भी सो रहे, फिर सुबह उठ के मेरे को पता चलता है क्या क्या, क्या दिन है? मेरे पास दिन की चिक्की और रात की चिक्की। आप सोच रहे थे एंड में कोई अच्छी बात आएगी ना, हमारे क्या लॉकडाउन में ये सब जोक बनाए थे हमने, अभी क्या है ईयर एंडिंग है ना, हमारा क्लियरेंस रहता है सब जोक का, तो हमको निकालने रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ। मेरे जाने का टाइम सर, मेरी जाती है वो, एक्चुअली बहुत लोग आते हैं ना हमारे पास, वो आए थे आशुतोष राणा है ना और रेणुका शाणी, वो लोग हमारे पास आए थे मैसेज कराने, तो आशुतोष जी अपना राणा भूल गए, रेणुका जी अपना शाणा भूल गई, तो अभी क्या है वो कंफ्यूजन बोल रहे राणे शाणे में, वैसे शादी के बाद तो रेणुका जी को राणे होना चाहिए था, लेकिन वो राणे, लेकिन वैसे आशुतोष जी शाणे भी है, ऐसा मतलब कंफ्यूजन बहुत है, तो उससे पहले उन घर में प्रॉब्लमों में देकर आती हूँ, ठीक है मैं तू चेक करके आ जा। हाँ बाय बाय बाय। एक बार जोरदार तालियां शक्ति सर और चंकी सर के लिए। सर आइए, शक्ति सर चंकी सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आप जब भी आते हो हमेशा ही मजा आता है, लेकिन आज आप पहली बार दोनों साथ में आए हो ना सर, और बूम बूम बहुत ज्यादा मजा आया सर, और आगे भी आते रहिएगा प्लीज। लव यू सर। थैंक यू। बुलाते रहिए। थैंक यू। और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी जो है वो जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, और हाथ आप धोते होंगे। आई ट्रस्ट यू गाइस। गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।